मैं हूं इमरान प्रताप गढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज एफ के। जो नफरत हार के प्यार जीता है, जब हम सब साथ में निकले थे ना, तो ये एकता साथ में दिखाई दी ना, हम लोग ने हाथ में हाथ जोड़ करके चले ना। ये जो नफरत हारी है और प्यार जीता है ना, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोगों को। इन्होंने जो पीछे बैक ऑफ माइंड के अंदर एक अपनी छवि बना के रखी है ना, कि जो कुछ होना है हमसे होना है, ये यही वो मुमरा है जो इनका झूठा रोना सुन चुका है। ये मिनट मिनट में तो जबरदस्ती से घड़ियाली आंसू बहाने लग जाते हैं, अचानक रोने लगते हैं। इनकी आवाज है ना एक बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट के स्टाइल के अंदर आ जाती है। सीधी बात करते करते अचानक करके रोना लगे। मैं समझता हूँ कि जितना दोषी अविनाश जाधव था, बस उतने ही दोषी वो भी शख्स है। और मेरा भाई वल्ली जो है इस बारे में काफी डिटेल में बात कर चुका है, और उन्होंने कहा भी है वल्ली भाई ने हमारे, के ऐसी कम्युनल पार्टियों में रहे हैं जैसा कि बीजेपी में, उनका मफलर डाल के उनकी सोच के हिसाब से बीजेपी के साथ बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन इस बार जब आपने जबान खोली वो बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से खोली। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन धर्म स्थल जो होते हैं उनको कानून ने खुद एक परवानगी दी, और धर्म से ही आस्था है और आस्था ही से आज ये देश चल रहा है। उन्होंने एक टिप्पणी करी थी हरा कपड़ा डालकर, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जरा आप बाहर निकले, क्योंकि आपकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, आप अपना संतुलन भी बराबर नहीं रख पाते हैं, इसके लिए आपकी जबान से कुछ भी निकल जाता है। जिन शख्सियत के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपने खुद ही कबूल किया कि आप ऊपर जाकर बाबा से मिलते थे। जब किसी की आस्था है वहां पर, तो उस बारे में टिप्पणी करने से पहले आपको 10 बार सोच लेना चाहिए। ऐसे बहुत से हरे नेट है जो डाल करके टीएमसी की हद के अंदर अनधिकृत जो है वो साथ साथ माले खड़े हो गए, तो आपको उस वक्त नहीं ये सब बोलने के लिए समझ में आया। जिस जगह लाखों लोग आते हैं वहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ा जाता हो, वहाँ पर आस्था की बुनियाद के ऊपर अच्छी बातें की जाती है। भैया ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ये बातें हैं। भैया मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मंदिर भी होंगे जहाँ पर जो है वो भजन कीर्तन हुआ करता होगा। तो जो विरोध जिस चीज का ये था कि जगर आपको अगर अनधिकृत जगहों के ऊपर बनी हुई इमारतों से तकलीफ थी, तो आप जो है सरकारी जमीनों के ऊपर जो गलत कार्य हो रहे उनका मुद्दा उठाते, सिर्फ धर्मस्थल का, वो भी सिर्फ एक समुदाय का। तो इस बात की वजह से जो है वो हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमने कोई भी नकारात्मक बात नहीं की ना, हमने सब सकारात्मक बात, जिसका उदाहरण ये था कि खुद डीसीपी साहब ने कहा कि वो लोग यहाँ पर आए थे, हमको निवेदन दिए, हमने कहा कि हम उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो ले चुके हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी कार्रवाई होगी उसके ऊपर अगर कुछ गलत कर रहे हैं वो लोग। तो बेवजह खुद को पॉपुलैरिटी देना, अपने आप को राजेश खन्ना या कोई बहुत बड़ा हीरो समझ करके घड़ी घड़ी कैमरे पे आना, और फिर बेसर पैर की बात करके शहर के माहौल जो अच्छा हो चुका है तो फिर से खराब करने की कोशिश करना, मैं इस चीज को निंदनीय मानता हूं। मैं पुलिस प्रशासन से भी इसकी अपील करता हूं कि आइंदा ऐसे लोगों को जबान खोलने से पहले सोच समझ करके बात करने की तंबीह की जाए। उम्र के इस दौर के अंदर उनकी जबान जो है वो उनके दिमाग के हिसाब से नहीं चल रही हो, शायद वो अपना दिमागी संतुलन जो है वो खो चुके हैं, और किसी भी धर्म गुरुओं के बारे में या किसी भी समुदाय के बारे में या औलिया अल्लाह के बारे में या महापुरुषों के बारे में आपको डायरेक्ट बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो वो बात हो गई है कि आप जो है वो दिया है और एक सूरज को चैलेंज कर दो, दिया ही है ना ये, इनकी क्या नॉलेज होगी, इनकी जो महापुरुष हैं, जो ऋषि मुनि है, जो वली हैं, जो बड़े पीर हैं, उनके मुकाबले में इनकी क्या नॉलेज होगी। कुरान शरीफ भी कह चुका है लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन और हमें हमारा दीन। और भी एक है जिसके अंदर मफहूम में ये बात आती है कि अगर कोई गैर है तो उनके जो बुत हैं या उनके जो भगवान है उनको बुरा मत कहो, ये तो हमारे इस्लाम की पहचान है। अब आप इतनी उम्र दराज होने के बाद भी आपकी जबान से अपने ही दीन वालों के लिए गलत बातें निकले, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके ऊपर कुछ बोलूं, लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। ऐसे व्यक्ति को आखिरी संदेश क्या दे? या आखिरी संदेश ही है, समझ लीजिए आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो मैं समझता हूं कि आपको उसका खमियाजा भुगतना हो, फिर चाहे वो अजाब इलाही की तरफ से हो या फिर किसी की बद्दुआ लग जाए या कुछ और। आखिरी संदेश सलमान रिजवी जी, आपने देखा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो ऑडियो क्लिप वो खुद बनाते हैं, वो खुद ही वायरल कर रहे हैं, सभी ग्रुपों में जाके कर रहे हैं, सभी लोगों को पर्सनल भेज रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं वो, क्या उनके मनसा क्या है,
किस तरह से और किसको भेज रहे हैं वो लोग। आपको समझना ये है कि कम्युनिटी के लोगों को ही भेजा जा रहा है जिसमें उनको पहला अधिकार नहीं था। एक मिसाल, क्योंकि मेरी एक आदत है कि कभी भी मैं बात करता हूँ तो एक मिसाल जरूर उसमें देता हूँ। मसलन मेरे माँ को अगर कोई गाली दे तो मैं उसकी हिमायत नहीं करूँगा। आप मेरे घर को बुरा बोल रहे हैं तो मैं आपको अच्छा बोल कैसे सकता हूँ? जी वैसे ही जब आप एक मुसलमान हैं और कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और नाम भी मुसलमान हूँ। देखिए आस्था ये बोलती है, इस्लाम ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कुरान में भी कहा है और रसूल अल्लाह ने भी यही फरमाया है, आपकी कोई औकात ही नहीं है कि किसी दूसरे के मजहब पे टिप्पणी। जी आप नहीं मानते उसको मत मानिए, लेकिन गलत भी मानते। इस तरीके से कुछ दिन पहले अविनाश जाता हूँ एक दरगाह पे जो टिप्पणी की और खुद ब खुद आए भी, और आपने देखा होगा किस तरीके से मुमरा के लोग इकट्ठा होकर उसकी मजम्मत किए, और उस भीड़ के अंदर किसी ने किसी पार्टी का झंडा नहीं रखा। पहली बात तो उसमें वो लोग थे जो इस्लाम को मानते हैं, रसूल को मानते हैं और अल्लाह। ऑडियो क्लिप वाले मुमरा शहर के अंदर अविनाश जाधव जो आके चले गए, लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं, इनकी सोच क्या है, इनके बारे में आपने क्या सोचा? इनकी वही हालत होने वाली है जिस तरीके से सलमान रश्दी की हुई थी। उन्होंने भी कुरान और इस्लाम पे अनाप शनाप बातें करी थी। हाल ही के अंदर आपने देखा होगा वसीम रिजवी, उन्होंने कुरान की 26 आयतों को लेकर उन्होंने बात की थी। लेकिन देखिए अल्लाह का जब कहर आता है ना, नामो निशान में सलमान रश्दी कहाँ गया कोई नहीं बता सकता। वसीम रिजवी कहाँ गया? सनातन धर्म उन्होंने अपनाया, लेकिन वहाँ के उनके ही सनातन धर्म के लोग ही उनको अब उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे जी। धर्म में ऐसी हालत होती है। तो ये एक पैगाम है कि शहर का एक माहौल जो हमसा गया है, लोग इस तरीके से वातावरण हुआ था तो शांतता दी है, लेकिन ऐसे लोग मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी से पैसे लेके या किसी अविनाश जाधव जैसे लोग इनको पैसे देके फिर से वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं शहर की आवाम से एक अपील भी करूंगा, एक निवेदन भी करूंगा, ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं। ऐसे लोग उनके घर वाले उनको जब ध्यान नहीं दे रहे तो शहर के लोगों से अपील है कि उन पे ध्यान दें। कई बार ये बीजेपी के स्टेज पे भी दिखे थे, तोरण के मसले में रीदा रशीद बैठी थी एम गेट के पास, तो उस टाइम पे भी वहाँ पर बैठ के अपने हिसाब से अपना काम निपटा रहे थे। लेकिन आज जो दुख है लोगों के बीच में वो यही है कि आप यदि दरगाहों को नहीं मानते लेकिन आपको उसके बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, आप कर भी रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, उसी शहर में कर रहे हो, तो आपकी आवाज कहाँ तक पहुँचेगी? लेकिन सबसे पहला तो सवाल है मेरा उनसे कि आप अगर मुसलमान हैं तो अल्लाह को तो आपने देखा तो है नहीं, तो मान क्यों रहे हैं फिर आप? सवाल ये किसके बोलने पे मान रहे हैं? रसूल अल्लाह ने बताया 124,000 अंबिया, किसने बताया? रसूल अल्लाह 313 उलूल अज़्म, किसने बताया? रसूल। जब आपने अल्लाह को नहीं देखा फिर भी मान रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, हो सकता है मैं भी दरगाह को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं गलत भी नहीं बोल सकता। किसी की आस्था है, आस्था ही है ना, दरगाह है मुसलमान की आस्था है। अच्छा सिर्फ दरगाह पे मुसलमान नहीं जाते, आप देखेंगे चाहे वो गरीब नवाज अजमेर की दरगाह हो चाहे कहीं की भी दरगाह हो, मुसलमान से ज्यादा वहाँ पे नॉन मुस्लिम आते हैं। क्यों? उनकी भी आस्था है। आप ऊपर जाके देखें फखरुद्दीन साहब सैयद साहब है वहाँ पे, देखें कि कितने गैर मुस्लिम लोग आते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान से ज्यादा उनकी भी आस्था जुड़ी। अगर ये गैर मुस्लिम आके दरगाह से आस्था जुड़ रहा है, उसकी मुरादें पूरी हो रही है, तो आपको मुसलमान है जी, आपको शर्मा नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं मेरे भाई के अंदर ये एक ऐड करना चाहता हूँ ना, ये जो नफरत हारी है और प्यार जीता है ना, ये जो नफरत हार के प्यार जीता है, जब हम सब साथ में निकले थे ना, है ना, मैं था, मोतीराम भगत थे, नीलेश पाटिल था, वल्ली शब्बीर खान थे और सब सलमान भाई थे और सब थे ना, तो ये एकता साथ में दिखाई दी ना, हम लोग ने हाथ में हाथ जोड़ करके चले ना, ये जो नफरत हारी है और प्यार जीता है ना, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोग, इन्होंने जो पीछे बैक ऑफ माइंड के अंदर एक अपनी छवि बना के रखी है ना, कि जो कुछ होना है हमसे होना है। अच्छा, इनके इनके इसके अंदर एक दर्द निकला कि भैया मैं जो जो स्टेज पे गया हूँ ना, आपको भी वो स्टेज पे आना चाहिए था। आप वो ऑडियो क्लिप में अगर सुनोगे तो, अब उनको एक तो मैं बता रहा ना, उनका जो जहनी संतुलन जो है ना इस वक्त बराबर नहीं होगा। आपने कहा कि वो एम गेट पे रहे थे, अरे भैया ये यही वो मुमरा है जो इनका झूठा रोना सुन चुका है।
ये मिनट मिनट में तो जबरदस्ती से घड़ियाली आंसू बहाने लग जाते हैं, अचानक रोने लगते हैं। इनकी आवाज है ना एक बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट के स्टाइल के अंदर आ जाती है। सीधी बात करते करते अचानक करके रोना लगते हैं। ये वो शख्सियत, एज फैक्टर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नफरत हारी है, प्यार जीता है, मुमरा में अमन है, शांति है, भाईचारगी है, लोग प्यार से रह रहे हैं, आपस के अंदर एक मिसाल कायम हो चुकी है। मुमरा ने इस बार बताया है पूरे महाराष्ट्र को नहीं, पूरे इंडिया को, और मैं तो समझता हूँ पूरे इंडिया को भी नहीं, गल्फ से भी कुछ मैसेजेस आए कि जिस तरीके से अमन, शांति और भाईचारगी का जो पैगाम निकला है यहाँ से ना, जो बड़े बड़े लीडर्स नहीं होने के बावजूद भी, देखो जो अच्छे बड़े लीडर थे उन्होंने हमें खुद फोन करके कहा कि बहुत बेहतरीन काम किया, हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग कहीं और मशगूल थे, जो बातें होनी थी। ये जो टिप्पणी करने वाले ना, कटाक्ष जिसको बोलते हैं, ये कटाक्ष यहाँ पे, ये चीज हर जगह राजनीति की जगह नहीं है ना। प्यार, जब प्यार यहाँ पे फैल रहा है तो इसमें बीच में आके फिर से जहर घोलने की क्या जरूरत थी। और आपने कहा ना जो वायरल करने का सिस्टम है, भैया देखो वायरल तो है ना, हर गलत चीज भी हो जा रही है आज के। जैसा देखो कुछ दिनों पहले झगड़ा हो गया, पिछले दिन की बात है ये, मैं समझ रहा हूँ, आग लग गई, दो समुदाय में झगड़ा हो गया, तो नफरत भी फैली है, लेकिन वहीं जब दो समुदाय मिले हैं तो प्यार भी फैला है कि नहीं? प्यार भी फैला। आज हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम खाली ले लेते, अब मैंने खाली शिवाजी महाराज बोल दूंगा ना तो नफरत फैलाने वाले क्या बोलेंगे, क्या बगा ह्यांने आमचे राजेचा नाव कसा घेतला। मेरे पिछले इंटरव्यू के ऊपर है ना, कमेंट्स के अंदर है ना, जो कट्टरवादी लोग है ना, ये 4% है खाली, 96% जो है हिंदुस्तानी जो है वो मिलकर रहना चाहते, ये 4% लोग है ना, अरे मी मराठी मुस्लिम आहे, मी मराठी बोलू शकतो, माझ्या रक्तात काय मराठीपणा आहे, मी तुला का दाखवू, और मैं मेरे समुदाय को रिप्रेजेंट अगर करूंगा तो भैया मैं टोपी लगाया हुआ तो जाहिर सी बात है मैं मुसलमान हूँ, अगर आपने तिलक लगाया तो जाहिर सी बात है आप हिंदू धर्म को मानने वाले हो, आपकी मातृभाषा मराठी है, मेरी मातृभाषा जैसा कि इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे देश की जो भाषा है वो क्या है, हिंदी है, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी में बात कर रहा था, त्यातला पण जानना ऑब्जेक्शन है कि मी मराठी काय नाही बोलत, फक्त त्यांच्यासाठी ऐकून घ्या, मी मराठी मध्ये बोलू शकतो, तरी सुद्धा ही माझी चॉईस आहे, मी तुमच्याकडे जे माझे मेसेजेस आहे ते पाठवून असा पाठवते कि आपल्याला एकत्र राहायचे आहे, आपण स्वतः मराठी पण आहोत आणि आपण ह्या जगातला, आपण भारतातला रिप्रेझेंट करणारे लोक आहे आणि भारत मध्ये लोक एकमेकांना मिळून राहतो, हे तुम्ही नोंद घ्यावी। आखिरी संदेश सलमान रिजवी से, ये आखिरी टाइम ऐसी टिप्पणी किया है या फिर ये वापस उबाल लेगा? नहीं, कुछ नहीं, संदेश तो यही देना है कि जिस तरीके की शहर का माहौल है तो खराब ना करें तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो जिस तरीके से हाल मैंने बताया आपको शहर से बायकॉट करेंगे। मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी जाधव आने दोबारा किसी मस्जिद पर अगर बात होगी तो हम हिंदू और मुस्लिम एक होकर लड़ेंगे, किसी मंदिर पे बात आई तो भी हम हिंदू और मुस्लिम एक होकर लड़ेंगे, शहर हमारा है, हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्या करना है। आप कहीं से भी आके कुछ भी बोल के और वातावरण खराब करने की अगर कोशिश करे तो दोबारा आपको हम बताएंगे कि वेलकम कैसे किया जाए। इस नूरुद्दीन नाइक की मुनाफिकत इधर ही साबित हो गई कि कितना बड़ा मुनाफिक है, और आज ये कहता है मुमरा में हम 30 साल से 35 साल से, तो मुमरा में इसने आज तक 30-35 साल में कौन सा ऐसा अपने आप को सोशल एक्टिविटीज कहता है कि मैं बहुत से सोशल एक्टिविटीज में हमने काम किया है, तो एक दो से तीन काम तो मुझे गिनाए, आरएसएस, बजरंग दल और जो भी जो इस्लाम से सोशल जो अगेंस्ट है वही लोगों की विचारधारा यही कह रहा है मुमरा के अंदर कि दरगाह ऐसी नहीं वैसी नहीं, अरे तू नहीं मानता है तू नास्तिक है, तो तू तेरे तक रहे ना।